चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, आ जानू यार, हमारी चांदी के कपड़े छोटे हो गए। जानू, कपड़े कैसे छोटे हो सकते हैं यार? मेरा मतलब है चांदी बड़ी हो गई है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नबील, मैं सोच रही थी कि चांदी के लिए ना हम कोई अच्छा सा बकरा मंगवा लें। जानू, मैं तो सोच रहा था कि इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। नबील, मैं बकरा ईद की बात कर रही हूँ। यार, मैं इस बार गाय की कुर्बानी करने का सोच रहा हूँ। 70 से 80 हजार से कम की नहीं मिलेगी गाय। तो क्या तुम्हारे पास 70-80 हजार रुपए भी नहीं है जानू? नबील, मेरे पास 70 रुपए भी नहीं है। ठीक है जानू, फिर हम गाय की कुर्बानी देंगे और मुर्गी से बात करेंगे। शान आप नबील। ओके जानू। नबील, वैसे एक आइडिया है। बोलो बोलो बोलो। अगर हम पूरी गाय नहीं ले सकते तो हिस्से तो डाल सकते हैं ना महमूद साहब के साथ मिलकर, कैसा? हाँ, ये ठीक है, मैं महमूद साहब से बात करके आता हूँ। क्या हुआ नबील? मैंने और खूबसूरत ने फैसला किया कि इस बार गाय की कुर्बानी होगी। आयशा बशीर। अरे नबील, हमें जरा ज्यादा गोश्त देना इस मरतबा। आप उधर, अब हमारी फैमिली में खाने वाले भी तो 3 हो गए। माँ जी, आप सोने को गोश्त खिलाएंगे? अरे, ये इस औरत का बच्चा है, पूरी गाय खा सकता है। लेकिन महमूद साहब, आपको भी गाय में हिस्सा डालना होगा। डाल लेंगे यार। देखें जी, गाय में 7 हिस्से होते हैं, 3 आप लोग और 3 हम लोग। हाँ, और एक खूबसूरत के पापा। बस फिर हो गई गाय की कुर्बानी। हो गई। हाय अल्लाह जी, शुक्र है कुर्बानी हो गई। काम भी नहीं करना पड़ा तो कुर्बानी भी हो गई। अरे अभी हुई नहीं है, होनी है मोमो। कौन मोमो? अरे तुम मोमो। लेकिन मैं तो 22 साल पहले ही हो गई थी मोहम्मद बशीर। 122। ओफ माँ जी, क्या हो गया आपको? लो भी खूबसूरत, हम सब गाय में हिस्सा डाल रहे हैं। गाय में तो 7 हिस्से होते हैं, बाकी 5? अरे 5 कहाँ भाई, हम 6 हैं और एक तुम्हारे पापा। ठीक है, मैं अभी पापा को बोल देती हूँ। हाँ, उनसे बोल दो, 6 हिस्से वो करेंगे, हम सब मिलके एक आधा हिस्सा कर लेंगे। क्यों महमूद साहब? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पापा 6 हिस्से क्यों करेंगे? जानू, हम कितने लोग हैं? 6। और एक तुम्हारे पापा कितने हुए? 12। 7। और गाय में कितने हिस्से होते हैं? 7। हम एक हिस्सा करेंगे और बाकी कितने बचे? 6। अब क्या सिर्फ 6 हिस्से भी तुम्हारे पापा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे महमूद साहब? आप मेरे ससुर को हल्का ना ले। चल पुत्र, अपने बाप को फोन करके बोल के वो भेजे। वो क्या? वो जिससे गाय आती है। वो तो मंडी से आती है। हाँ पुत्र, जा वालद को फोन लगा के फौरन मंडी भेजे। चलो भाई नबील, सर्वे शुरू करें। हाँ ये ठीक है। जी जी, नहीं नहीं, मैं तो ईद से एक दो दिन पहले ही जानवर मंगवा लेता हूँ अपनी जमीनों से। आज रात फैसलाबाद से इंशाल्लाह गाय पहुंच जाएगी। नहीं, अरे देखने आने की क्या जरूरत है, सुबह अखबार में गाय की तस्वीर देख लीजिएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था नबील? कुछ नहीं, मैं हूँ साहब, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। यार नबील, अरे मोहल्ले में लोग बहुत बड़ी बड़ी गायें लेकर आए हैं। अरे महमूद साहब, आप फिक्र ना करें, आज रात हम मंडी जा रहे हैं, सबसे मोटी गाय हमारी होगी। यार मैं जरा गली में चक्कर ना लगा के आऊं, गाय के रेट वेट मालूम करता हूं। और जरूर जरूर महमूद साहब, और उनका नाप भी ले लीजिएगा। क्यों, तुमने ईद पर उनके कपड़े सिलवाने हैं? नहीं यार, हम अपनी गाय इस मोहल्ले की सबसे ऊंची और तगड़ी लेकर आएंगे। ये जो तुम ऊंची और तगड़ी लेकर आओगे वो गाय होगी? हाँ जी। अच्छा जी। ओ, क्या हो गया नबील? नबील, क्या हुआ जानू? इसको तो चुप कराओ यार, मुझसे नहीं चुप हो रही। जानू, इसे अपने पापा की तस्वीर दिखाओ ना। नबील, मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है। जानू, मैं इसके नहीं, तुम्हारे पापा की बात कर रहा हूँ। व्हाट? जानू, पापा से याद आया, तुमने अपने पापा को गाय के पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल दिए? बोल दूंगी। जानू, रात को हमने गाय लेने जाना है, उन्हें फोन करके बोलो कि 7 हिस्सों के पैसे ट्रांसफर कर दे। 7 क्यों? उन्होंने तो 6 हिस्सों के पैसे देने हैं। जानू, एक हिस्से के पैसे जो हमने देने हैं वो भी तो उन्हीं से लेके देने हैं ना। क्या? हाँ जल्दी करो जानू, महमूद साहब गाय देखने गए हैं, ऐसा ना हो वो सौदा करके ही आ जाए। किसकी आवाज है? मुझे लगता है जानू, महमूद साहब गाय के नीचे आ गए हैं। महमूद साहब,
आपके पीछे का पुलिस लगी हुई है। चुप कर मेरा मियाँ, उड़ने लगा था है ना जी। अरे उड़ते हुए तो गिरा हूँ। आपको किसने कहा था इस वजन पे उड़ने के लिए, गिरना तो था ही। अरे नहीं, मुझे गाय ने टक्कर मारी है। उसकी ये जुर्रत कहाँ है वो माँ जी, गाय ने टक्कर मारी है, हम साये ने नहीं। आपने उससे बदतमीजी की थी है। हम साये से? नहीं नहीं, गाय से। अरे बातें बंद करो यार। गाय से? नहीं नहीं, हम साये से। अरे मुझे लिटाओ, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। कमीना लिटान को इधर। अरे यार अंदर बैठ पे आओ। चलो चलो चलो, इनको अंदर लिटाओ और जाके ईएसडी सुनवाओ। ऑडियो तुम्हारा बाप सुनेगा तेरा। चलो पापा ने गाय के पैसे ट्रांसफर कर दिए। सिर्फ गाय के? नहीं, गाय के बच्चों के लिए भी कर दिए और उसके घर का किराया और राशन भी डलवा दिया। जानू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं? एक हिस्से का बोल के पूरी गाय के पैसे उनसे मंगवा लिए। अब तुम और महमूद साहब क्या करोगे? जानू, मैं उसका चारा लेके आऊंगा और महमूद साहब कसाई। अब तो खुश हो ना? शट अप नबील। ओके जानू। महमूद साहब तैयारी पकड़ ले। अच्छा, इसी बिना आपने मुझे जोड़े दिलवाने हैं? जोड़े नहीं, कोड़े बना के दूंगा, कोड़े। चले महमूद साहब। ये चल नहीं सकते खुर्शीद। नबील माँ जी। नबील चल नहीं सकता खुर्शीद। महमूद साहब उठे यार, गाय ने आपकी कमर पे टक्कर मारी है, पाँव पे नहीं मारी। उठे चले, उठे गाय लेके आए, उठे। मैं मर जाऊंगा लेकिन गाय लेकर नहीं आऊंगा। हाय पुत्र, इनके मरने के बाद तो फिर तुझे अकेले ही गाय लानी पड़ेगी। अरे तुम चुप करो यार। नबील, इस घर में गाय नहीं आएगी। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार इस घर में। हाय अल्लाह जी, अगर वो हमारे बच्चे खा गई तो? माँ जी, हम गाय ला रहे हैं यार, डायन थोड़ा ला रहे हैं। अरे जानवर वो लाओ जो हमसे छोटा हो, ताकि हम कोई उसको दो चार थप्पड़ तो लगा सके ना काबू करने के लिए। जब तो शाबाश बाजार से ना बिल्ली ले आओ। माँ जी आप तो चुप करें ना यार। आप लोग अभी तक गाय लेने नहीं गए? ओ यार महमूद साहब गाय को मना कर रहे हैं। किस काम के लिए? वो कह रहे हैं इस घर में गाय नहीं आएगी, बकरा आएगा, वो भी बगैर सींगों के। नबील, पापा ने गाय के पैसे भेजे हैं, इस घर में गाय ही आएगी। मैं केले कैसे लाऊं गाय, अगर वो मुझसे रस्सी छुड़ा के भागी तो? तो फिर मेरे पापा के पैसे वापस कर दो। खूबसूरत खूबसूरत। अरे आप परेशान ना हो, जानवर आपके दरवाजे पर। नहीं, हमें ऐसे वाले जानवर नहीं चाहिए। अरे मैं जानवर नहीं हूँ, मैं जानवर बेचता हूँ। हमें आपके मोहल्ले से पता लगा है कि आप लोगों ने अभी तक जानवर नहीं लिया है। माँ जी कौन है? माँ जी तो मैं हूँ। अरे ये कौन है यार? अरे सर नाम में क्या रखा है, आप लोगों ने अभी तक जानवर नहीं लिया ना, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना। तेरी कुर्बानी जायज नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, मैं ऑनलाइन जानवर बेचता हूँ। ऑनलाइन? जी जी, जानवर ऑनलाइन है। अरे आप ज्यादा सोचिए मत। आइए भाई अंदर आइए। अरे जल्दी कीजिए, शर्माइए नहीं, अपने घर समझिए। माँ जी ये हमारे घर है ना, इधर आइए, इधर इधर आइए माँ जी। अब आई रुक तू रुक। तुम? अरे सर आप मुझे छोड़े। किस पर? सर मैं तस्वीरें लेकर आया हूँ, एक से बढ़कर एक हैं। किसकी हैं? जानवरों की। जानवरों की? अब महमूद साहब ये जानवर ऑनलाइन से आए हैं, अब आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, घर बैठे जानवर मिलेगा आपको। कैसे? सर मैं हूँ ना। अरे नहीं भैया, हमें इतना कमजोर जानवर नहीं चाहिए। अरे सर आपको गाय चाहिए ना, बताइए कौन सी गाय चाहिए? ऑस्ट्रेलियन गाय चाहिए, नील गाय चाहिए, दबंग गाय चाहिए या अलमिया की गाय चाहिए? अरे नहीं, वो हमारे पास है, हमें बकरा चाहिए। जी जानू, पापा ने गाय के पैसे भेजे हैं, इसलिए गाय ही आएगी। चुप है, बकरा आएगा। गाय आएगी, बकरा आएगा। अरे एक मिनट, आप लोग लड़े मत, मैं आप लोगों को गाय के बराबर का बकरा दिला देता हूँ। हाय इतना बुढ़ा? अरे नहीं नहीं, गाय के बराबर का। अच्छा? हाँ। जानू सोचो, गाय के बराबर बकरा,
तुम्हारे पापा की तस्वीर लगेगी बकरे के साथ। ठीक है, तस्वीर दिखाएं। आपके पापा की तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। बकरे की तस्वीर। अच्छा ये देखिए। अरे ये तो वाकई बहुत बड़ा है। अरे पूरे मोहल्ले में इतना बड़ा जानवर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप उसको घर में बांधेंगे ना तो उसका मुंह गली में नजर आएगा। फिर तो ये आती जाती लड़कियों को ताड़ेगा। अरे इसकी एक खास बात ये है कि ये जमीन पे खड़े खड़े दरख्त से फल तोड़ के खा लेता है। क्यों पत्थर दरख्त पे चढ़ के नहीं खाता? ये दिन में 3 दफा अपने दांत भी साफ करता है। कैसे? जबान से। ये मुन्नी बदनाम पे डांस कर लेता है? नहीं, ये मुन्नी बदनाम गा लेता है। डांसर बकरा दूसरा है, वो भी मिल जाएगा हमारे पास। वो बकरा थोड़ा सा दुबला है, उसमें गोश्त जो है ना कम निकलेगा। अरे नहीं नहीं भाई, फिर आप यही वाला डन कर दें। ओके जी, चलिए जी, फिर ये हो गया डन। कितने? 60,000। 60,000? अरे लाख रुपए का बकरा है, 60,000 में दे रहा हूँ। फैमिली डील चल रही है ना। जाओ जानू, पैसे लेके आओ। मुबारक हो नबील, बकरा आ गया। अरे महमूद साहब अभी आया कहाँ है यार? अरे कल सुबह आपके दरवाजे पर होगा। ये ले रसीद। महमूद साहब मुबारक हो आपको। अरे तुम्हें भी मुबारक हो मोमो। अच्छा बकरे का नाम मोमो है? ओह वैश्य। पापा आप बकरे को देखेंगे ना तो गाय को भी भूल जाएंगे। जी इतना बड़ा बकरा है। एक बात सुन मैं पीतल। पीतल खबरदार, पीतल नहीं, पीतल नहीं। हाय मेरा पीतल। एक बात कान खोल के सुन लेना। अच्छा खबरदार तू उस बकरे के पास गया, भाई तुझे खो जाएगा तो मेरा क्या होगा फिर। हेलो, ये बताइए कि आप दुनिया के सबसे बड़े बकरे के सर की क्या कीमत देंगे? ये म्यूजियम नहीं है? अरे राणा भाई बहुत बड़ा बकरा है, फैसलाबाद से पानी के जहाज में मंगवाया है। हाँ जी चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके भाई। देखो नबील मैं जंजीर लेकर आ गया हूँ। महमूद साहब आपने इसे क्या मोटरसाइकिल बांधनी है? अरे नहीं यार, बकरे के लिए लाया हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बांधेंगे ना। बच्चों को? अरे नहीं यार, बकरे को। मैं तो कहता हूँ लॉन में लोहे का पिंजरा बनवा लेते हैं ताकि बकरा भाग ना जाए। महमूद साहब कला ना बनवा ले बकरे के लिए। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। ओ बस करें यार। अरे लेकिन बकरा तो ट्रक पे आएगा ना। ओ मुस्तकीम, मुस्तकीम मैं ये ले आई हूँ। तुम क्या लॉन में सोगी? नहीं मैं ये बकरे के लिए लाई हूँ, उसे सर्दी ना लग जाए। माँ जी आप एक काम करें, आप अपना बेड भी यही ले आए बकरे के लिए। देख रही है माँ जी? एक बात तो बता निसरीन। खूबसूरत। थैंक यू। हाँ तो मैं तुझसे पूछ रही थी निसरीन। माँ जी मेरा नाम खूबसूरत है ना, मैं तेरा नाम नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि बकरा इस लॉन में आ तो जाएगा ना, छोटा तो नहीं पड़ेगा। माँ जी हमने लॉन में बकरा बांध रहे हैं, हाथी नहीं। तू रहन दे, बड़ी नजरें लगी हुई है लोगों की। हाँ जाहिर है माँ जी, 60,000 का बकरा है, मोहल्ले वाले तो जलेंगे। तो कोई नहीं पुत्र, हम अपने बकरे की सूंड में ना पानी भर के तो उनकी सौरी आग बुझा देंगे, कैसा? माँ जी बकरे की सूंड नहीं होती। नौरीन बोले। हाय उसके पावे तो महीने भर खाते रहेंगे ना, तो खत्म नहीं होने। माँ जी पाए मेरे पापा के हैं। ओए खबरदार, पावे मैं खाऊंगी, उनसे बोल भज्जे के पाए खाएं। माँ जी मैंने पाए पापा को लाहौर भिजवाने हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो ठीक है ना, उनको भिजवा देते हैं पाए, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तू घबरा ना। अच्छा आन ते दे बकरा, सोची ना हूं कुछ। नबील आ जाओ। क्या सोच रहे हो? जानू मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पापा से थोड़े से पैसे और मंगवा लूँ। वो किस लिए? जानू डीप फ्रीजर लेंगे ना यार। क्यों? इतना सारा गोश्त रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना खूबसूरत। नबील तुम गोश्त बांटोगे नहीं क्या? नहीं जानू, जब तक गोश्त खा खा के मुझे उल्टियाँ ना हो जाए मैं नहीं बांटूंगा। शराब नबील। ओके जानू। अरे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है मोमो? देखो खूबसूरत के पापा को तो सिर्फ पाए जाएंगे, बाकी सारा बकरा हमारा होगा।
उसमें से बड़ा गोश्त निकलेगा है ना? अरे बकरे में से तो छोटा गोश्त निकलता है, बड़ा गोश्त तो गाय में से निकलता है। मेरा मतलब है कितना गोश्त निकलेगा? अरे बहुत निकलेगा, सालों खत्म नहीं होगा। फिर तो मैं अपने पुत्र तांबे के वलीमे में ना उसी गोश्त का कोरमा बनाऊंगी रशीद। महमूद नहीं, महमूद का नहीं, रशीद का कोरमा बनवाऊंगी। जी 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 जी, मैं नवीन बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माँ जी खूबसूरत मेहमान साहब। माँ जी पता क्या हुआ? माँ जी डिलीवरी हो रही है। हाय, अब किसकी? बकरे की। अरे बकरे की डिलीवरी कैसे हो सकती है यार? अरे यार वो बकरा डिलीवर करने आ रहे हैं। विशे जल्दी से तैयारी कर ले। पुत्र ये कपड़े ठीक है या तब्दील कर लूं? अरे तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा, बकरा आ रहा है। नबील मेरे ख्याल में किसी अखबार के रिपोर्टर को बुलवा लो ताकि कल सुबह के अखबार में हमारी बकरे के साथ तस्वीरें छप जाएं। अरे खामखा लोगों की नजरों में आएंगे, कोई हमें किडनैप कर लेगा। फिर पैसे तुम्हारे पापा को देने पड़ेंगे जानू, सोच लो। करो घोड़ा आ गया सिकंदर, घोड़ा आ गया। बकरा? हाँ बकरा आ गया, घोड़े। ओहो चले ना यार, चले 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 चले। यार महमूद साहब, बकरा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा यार। नबील बकरे ने क्या हेलीकॉप्टर से उतरना है जो तुम ऊपर देख रहे हो? हाय हाय, बिल्ली का बच्चा। माँ जी बिल्ली का बच्चा नहीं है, बकरे का बच्चा है। अरे वाह नबील, कितने अच्छे लोग हैं यार, बड़े बकरे के साथ छोटा बकरा फ्री। अरे महमूद साहब, उन्हें पता था हमारे घर में दो बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने ये भेजा था कि हमारे बच्चे इसके साथ खेल लें। लेकिन नबी बड़ा बकरा का है। अरे वो बकरे की गर्दन कहीं बिजली की तारों में ना फंस गई हो, आओ चलकर देखते हैं। हाय, इस बकरे की गर्दन में पगाम फिक्स है। अरे नबील खत, ये लो ये पढ़ो क्या लिखा है। उम्मीद है आपको बकरा पसंद आया होगा। हाँ जी बड़ा प्यारा है। ऐसा बकरा आपके पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगा, हमने अपना वादा पूरा किया है। अगली ईद पर हमें याद रखिएगा, अगली बारी हम आपको ऊंट के बराबर बकरा देंगे। बड़े अच्छे लोग हैं भाई, खत भी भेजा है, और चलकर बड़े बकरे को लेकर आते। कोई बड़ा बकरा नहीं है महमूद साहब। क्या? हाँ यही बकरा भेजा है उन्होंने। ओए नबील, ये गाय के बराबर है। खूबसूरत सात तस्वीर भी भेजी है उन्होंने, इस तस्वीर में ये गाय के बराबर खड़ा है। नबील महमूद साहब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।